हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु नगर निगम के अधिकारी को नियमित रूप से कीटनाशकों के छिड़काव करने हेतु पत्र लेखन आप कैसे लिख सकते हैं। यानी आपके एरिया में अगर गंदगी फैल रही है तो आप उसको गंदगी को कम करने के लिए आपको किस तरह से, जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं उन्हें किस तरह से आप पत्र लिख सकते हो कि वो समय समय पर आपके इधर जो कीटनाशक है उसका छिड़काव करे, जिसके कारण जो मच्छरों की तादाद है वो कम हो, वहाँ पे होने वाले प्रदूषण की तादाद है वो कम हो। तो इस तरह से एक आप औपचारिक पत्र किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा औपचारिक पत्र है देख लेते हैं उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु नगर निगम के अधिकारी को नियमित रूप से कीटनाशकों के छिड़काव हेतु पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो नगर निगम का आदमी होता है उसे किस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक पत्र लिख के बताया गया है कि सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी गोरखपुर। तो ये गोरखपुर का है, आप यहाँ पे कहीं के भी व्यक्ति का लिख सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में जितने भी जिले हैं, पालघर हो गया, मुंबई हो गया, ठाणे हो गया, कोल्हापुर हो गया, सातारा हो गया, तो इस तरह से जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके नगर निगम अधिकारी को आप पत्र लिख सकते हैं। तो महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आदर्श नगर का निवासी हूँ। तो यहाँ पे आपके उसके अकॉर्डिंग एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2020 की शुरुआत से ही दुनिया कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रही है, ऐसे में इसकी दहशत अभी भी लोगों में बरकरार है। दूसरा, मौसम बदलते ही डेंगू और मलेरिया भी तेजी से अपने पांव पसार रहे हैं, जिसके चलते अधिकांश क्षेत्रवासी वायरल की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही बरसात के मौसम के चलते कई सारे कीट पतंगे भी शाम के समय उड़ने लगते हैं, जिनकी वजह से गंदगी और बीमारियां दोनों ही पनप रही है। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया नगर निगम की ओर से क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव प्राथमिक तौर पर कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को विभिन्न प्रकार के वायरल, बुखार इत्यादि से बचाया जा सके। तो यहाँ पर कीटनाशक का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, आपके जो एरिया है वहाँ पे जो गंदगी उत्पन्न हो रही है, जो लार्वा पनप रहे हैं, उनका किस तरह से खात्मा किया जा सका उसके बारे में ही कीटनाशक छिड़का जाता है। और आपको पता ही है कि जिस तरह से कोविड के दौरान स्वच्छता रखनी चाहिए, उसके कारण ही आजकल बहुत से लोग क्या हो गए हैं, सजग हो गए हैं और आसपास स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं कि किस तरह से स्वच्छ अपने एरिया को रखा जाए। आगे है, महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि नगर निगम की ओर से डोर टू डोर काढ़ा कलेक्शन के लिए, कूड़ा कलेक्शन के लिए आने वाली गाड़ियाँ भी समय पर नहीं आती है, जिसके कारण कूड़ा कॉलोनी के बाहर न जाने वाले कितने दिनों तक पड़ा रहता है और सड़ता रहता है। इस वजह से भी सारी बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ियों के नियमित आने की व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, साथ ही कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव का उचित इंतजाम किया जाए, ताकि क्षेत्र में कोई गंभीर बीमारी का खतरा ना बन सके। तो यहाँ पर सिर्फ एक जो कीटनाशक के छिड़काव की समस्या ही नहीं होती लोगों के सामने, परंतु जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कि घर में जो कचरा तैयार होता है उस कचड़े को कहाँ पे फेंका जाए, उसका निष्कासन कहाँ पे किया जाए, इसके लिए जो ग्राम पंचायत की गाड़ी होती है, नगर निगम की गाड़ी होती है, वो कचड़ा लेने के लिए आती है, परंतु उनका भी जो समय होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो कभी भी आते हैं, किसी दिन छुट्टी होता है, किसी दिन नहीं आते, जिसके कारण जो लोग हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं रोड के किनारे, जिसके कारण वो कचरा कई दिनों तक उसी जगह पड़ा रहता है, वो सड़ता है, उसके कारण कई जो कीटनाशक चीज़ें हैं, जैसे कि मच्छरों की तादाद है उस एरिया में बढ़ जाती है, और जो वहाँ का जो प्रदूषण फैल जाता है, चारों तरफ जो गंदा स्मेल आने लगता है, इस तरह की बहुत सी जो समस्या है उत्पन्न होने लगती है। तो इस तरह की समस्याओं के लिए आप किस तरह से नगर निगम, अपने ग्राम पंचायत को पत्र लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक उसका प्रारूप दिया गया है। बस आपको उसमें अपना जो स्थान है वो परिवर्तित करना है,
आपको कौन सी समस्या है उसके बारे में यह विस्तार से बताना है। और इस मामले में आपके द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई क्षेत्रवासियों के लिए काफी मददगार साबित होगी। धन्यवाद आपका प्रार्थी संजय सिंह और समस्त क्षेत्रवासी। तो यहाँ पे एक क्षेत्रवासी ने ये जो लेटर है वो लिखा है ताकि उसके जो परिसर है वहाँ पे जो गंदगी है उसको कम किया जा सके। तो इस तरह का ये जो एक औपचारिक पत्र लेखन है यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको ये पत्र लेखन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।